हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त और साथी संजय उपाध्याय एक बार फिर हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियो में ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर रजिस्टर करना, रिज्यूमे अपलोड करना, जॉब सर्च करना और नोटिफिकेशन पाने के बारे में बताता हूं, तो इस वीडियो में भी हम आपको एक नए जॉब पोर्टल के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए उस नए जॉब पोर्टल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देखकर क्लिक किया है तो इसका साफ मतलब है कि या तो आप जॉब चेंज करने के चक्कर में हैं या नया जॉब ढूंढ रहे हैं। आप बिल्कुल सही जगह आए। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका मकसद पूरा होगा। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने कई और वीडियो बनाए हैं जो जॉब पोर्टल पर रजिस्टर करना बताते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप क्लिक करके उन जॉब पोर्टल्स के साइट पे भी जाके अपने आप को रजिस्टर करके उसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, theindiasjobs.com एक एमर्जिंग वेबसाइट है और इस जॉब पोर्टल ने अपने आप को बहुत कम समय में ही मार्केट में एस्टेब्लिश कर लिया है। इस पे जूनियर क्वालिफाइड लोगों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस पे रजिस्ट्रेशन फ्री है और ये बिल्कुल ही जेन्युइन वेबसाइट है। दोस्तों, जब आपने अपना जॉब प्रोफाइल और रिज्यूमे बना लिया है और किसी एक जॉब पोर्टल पे आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, तो उसी मेहनत को आप दूसरी जगह भी रजिस्ट्रेशन करने में करके क्यों नहीं लाभ उठाते? अगर आप अलग अलग जॉब पोर्टल्स पर रजिस्टर हो जाते हैं तो आपके रिज्यूमे की विजिबिलिटी बढ़ जाती है, आपके सर्च होने की विजिबिलिटी बढ़ जाती है, आपको वेरियस जॉब पोर्टल से जो जॉब रिक्रूटमेंट ड्राइव है उसकी अलग अलग जानकारी मिलने से आप ज़्यादा जॉब्स की जानकारी एक समय में पा सकते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलती है अप्लाई करने की, जॉब सर्च करने की और जॉब फिल्टर करने की। तो मेरी सलाह है कि आपने जब अपने आप को एक जगह रजिस्टर कर लिया है तो आप दूसरे जगह भी अपने आप को रजिस्टर कर लें, यानी कि अलग अलग वेबसाइट पे भी रजिस्टर कर लें उसी मेहनत का लाभ उठाकर। दोस्तों, कोई कंपनी के लिए या किसी सेक्टर के लिए एक पोर्टल ज्यादा अच्छा होता है बशर्ते दूसरे से। इसके साथ ही जो कंपनी है वो अपने जॉब वैकेंसी की एडवर्टीजमेंट अपने सेक्टर के हिसाब से तो करती ही है, जहां कॉस्ट इफेक्टिव होता है वहीं ऐड देती है, तो आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना कर जाएं दूसरे जगह। इसलिए हमारी राय है कि आप अपने आप को सब जगह जाकर रजिस्टर करें और अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अब लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां इस वेबसाइट पर रजिस्टर करने के बारे में आपको मेरे कुलीग मिस्टर नितिन, जो इसके एक्सपर्ट हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप ये काम करना बताएंगे और समझाएंगे। तो ओवर टू मिस्टर नितिन। थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और आज हम बात करेंगे द टाइम्स इंडिया जॉब.com, जो कि एक जॉब पोर्टल है, उसके बारे में कि उसके अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन करें, कैसे प्रोफाइल बनाएं, कैसे अपने रिज्यूम को अपडेट करें और कैसे जॉब सर्च करें और कैसे जॉब पे अप्लाई करें। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए बने रही है मेरे साथ आखिर तक। तो आइए चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे, जहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। ये हम अपने क्रोम ब्राउजर पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पे एड्रेस बार में टाइप करेंगे theindiajobs.com। सही और जो स्पेलिंग की वर्ड डाल के हमने यहाँ पे वेबसाइट जो खुल गई है। तो ये एक वो जो हमने बताया वो जॉब पोर्टल है। हम इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं। अब इनकी जो सर्विसेज हैं यहाँ पे दी गई हैं और यहाँ पे बताया गया है कि कैसे काम करते हैं। तो ये जो रिक्रूटर्स हैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं, जॉब्स करते हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स समझते हैं, अपने मतलब कि जो रिक्रूटर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं और हमारे रिज्यूम्स में सर्च करते हैं कि कौन सा रिज्यूम उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अब कुछ रिज्यूम्स जो हैं वो अप्रूव करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं अपने रिक्रूटर्स को और फिर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर लाइनअप करते हैं इंटरव्यू को
एंड देन ये इनका प्रोसीजर है और जिसके अकॉर्डिंग हमको अपनी डिज़ायर जॉब जो है वो मिल जाती है। तो यहाँ पे कुछ ब्लॉग है और इनके कुछ क्लाइंट्स हैं यहाँ पे, उनके बारे में दिया गया है। तो हमें अभी चलते हैं कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे एक लॉगिन का बटन है, हम इसी पे क्लिक करेंगे तो एक नए टैब में इसका लॉगिन का जो पेज होगा वो ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे न्यू टू, इस वेबसाइट पे हम नए हैं और अब क्रिएट करना चाहते हैं फ्री अकाउंट। तो आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम या इन सब तीनों चीज़ों के थ्रू, जैसे कि साइन अप हम गूगल और फेसबुक और लिंक्डइन के थ्रू भी कर सकते हैं, मगर हम मैन्युअली लॉगिन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना पहला नाम डालेंगे, ये हमने मेल आई डी डाल दी है, और हम पासवर्ड डालेंगे। हर बार मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना पासवर्ड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे रखिए। उसके बाद आप अपनी सिटी जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्रिएट अकाउंट का बटन है, वो उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें आ रही है, आप एम्प्लॉयर्स हायर करना चाहते हैं, मतलब कि एक कंपनी है, या यहाँ पे जॉब पोस्ट करेंगे, या आप अपना रिज्यूम बिल्ड करके जॉब्स पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्रिएट रिज्यूम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप उससे पहले अपना जो ईमेल आईडी है ये उसको उस पर जाके उसके वेरिफिकेशन के लिंक को क्लिक करें। तो हम अपना ईमेल जो है वेरीफाई कराएंगे। तो मैं जा रहा हूँ अपने ईमेल आईडी पे, सॉरी ईमेल अकाउंट पे जो मैंने क्लिक कर दिया और अपना ईमेल जो है वेरीफाई करा दिया। तो मेरा ईमेल वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद मैं अपनी प्रोफाइल पे जाऊँगा, नहीं प्रोफाइल पे नहीं, माय रिज्यूम पे। तो हम अपने माय रिज्यूम पे हम लोग गए, यहाँ पे लिखा है क्रिएट रिज्यूम। तो यहाँ पे कुछ तीन स्टेप है, वो तीन स्टेप हमें फॉलो करने होंगे। जैसे कि यहाँ पे रिज्यूम की हेडलाइन पूछ रहा है, उससे पहले हमारी लोकेशन, टोटल आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो आप हम एक फ्रेशर का एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, डमी अकाउंट, तो हम फ्रेशर के लिए बताएंगे। और यहाँ पे आपके जो वो है क्या बोलते हैं फ्रेशर का लिए जो हम यहाँ पे अपना उसका हेडलाइन यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे हमने अपनी जो रिज्यूम की हेडलाइन है वो क्रिएट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप डाल दीजिए अपना। अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप ये पूछ रहा है कि प्राइवेसी रिज्यूम आपका पब्लिकली करना है कि प्राइवेटली करना है। तो मुझे पब्लिकली करना है, और आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगता है कि आपकी क्या एजुकेशन है, हाईएस्ट एजुकेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ट्वेल्थ से मतलब कि ट्वेल्थ और टेंथ के से ट्वेल्थ से बिलो और टेंथ से बिलो के लिए भी यहाँ पे जॉब अवेलेबल है, तो ये आप देखेंगे। और हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो पीएचडी डॉक्टरेट तक के लिए यहाँ पे, मतलब टेंथ के लिए और अगर हाईएस्ट एजुकेशन और एक लोएस्ट एजुकेशन दोनों के लिए ही यहाँ पे जॉब इस पोर्टल पे अवेलेबल है। तो अब हम अपना क्या नाम है यहाँ पे ग्रेजुएशन कोर्स जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, फिर उसके बाद से स्पेशलाइजेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन डाल देते हैं। और फिर स्पेशलाइजेशन डालने के बाद आपने कोर्स की स्पेशलाइजेशन क्या है, फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी डालेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम और कॉलेज का नाम। ये मैंने यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम डाल दिया है। और फिर यहाँ ये लोकेशन पूछ रहे हैं, लोकेशन डाल दी, यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर ली। और आपका जो ड्यूरेशन क्या था स्टडी का वो यहाँ पे डाल दीजिए, और यहाँ पे डाल दिया है। और फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ हमसे स्किल्स मांग रहा है, तो यहाँ पे कुछ स्किल्स डाल दो। आप देखेंगे नीचे आपको ऑटो डी यहाँ पे मेंशन कर रहा है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल स्किल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। और डालने के बाद यहाँ सबमिट के बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। योर रिज्यूम हैज़ बीन क्रिएटेड, हमारा जो रिज्यूम है वो क्रिएट हो गया है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हम यहाँ पे अबाउट योर
ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे हम इसको डाल के सेव कर सकते हैं और यहाँ से हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं इस बटन पे क्लिक करके क्रॉप एंड अपलोड कर देते हैं। ये हमने प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपडेट कर दी है। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अपनी डिज़ायर जॉब के बारे में डाल सकते हैं। आपने अगर पास्ट में अगर कहीं कोई इंटर्नशिप या कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट या काम किया हो तो आप उसके बारे में यहाँ पर डाल सकते हैं। अपने ग्रेजुएशन 10th 12th के बारे कब आपने कब कब कंप्लीट किया वो यहाँ डाल सकते हैं। अपनी आईटी स्किल्स के बारे में यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि आपको कोई अगर आईटी स्किल्स आता है, जैसे कि हम एक डमी डाल के दिखा देते हैं आपको कितने साल का उसको एक्सपीरियंस है नहीं है या कब से आप चला रहे हैं, तो आप उसको डाल के यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो आप एक ही आईटी स्किल यहाँ पर जुड़ गई। तो इसी तरह एक सर्टिफिकेट या एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ है तो आप यहाँ पर आके अपडेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपने आपका प्रोफाइल। अब यहाँ पे हम फाइंड जॉब फाइंड करेंगे क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एक जॉब सर्च करना चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या फ्रेशर की। तो और यहाँ पे किस लोकेशन में मैं वो जॉब चाहता हूँ, तो मैं नोएडा में चाहता हूँ वो जॉब, और यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक कर दूँगा। सर्च के बटन पे मैंने क्लिक किया तो इस लोकेशन पे जॉब जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे फ्रेशर हटा के एग्जीक्यूटिव लिख के और फिर सर्च करते हैं। तो अभी इस लोकेशन पे जो है जॉब नहीं अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे दिल्ली ही सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम इसको सर्च करते हैं। तो जैसे ही हमने दिल्ली डाला तो हमारे पे यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब्स की जो लिस्ट है वो ओपन हो गई है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब है, तो यहाँ पर आपके जॉब की क्या समरी होगी, मतलब क्या एक्सपीरियंस उनको कितना रिक्वायरमेंट है, एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी उनकी, उनके वहाँ कंपनी में वर्क करने की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस उनको कितना चाहिए, वो सैलरी कितना दे रहे हैं। तो उन्होंने अपनी जो वैकेंसी की जो डिटेल है वो यहाँ पे, लोकेशन क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश वगैरह और उनकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दी है। जैसे कि मुझको अगर मेरा जो प्रोफाइल है अगर इससे मैच कर रहा है तो मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करूँगा, तो आप यहाँ पर आइए, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक पॉपअप खुल जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन से आर यू इन दिल्ली, यस, डू यू स्पीक इंग्लिश, यस, तो आप इनको सेलेक्ट करके आप कोई और कॉन्टैक्ट नंबर है वो दे दीजिए और ये अपनी जो डिटेल है आपकी ये इनके पास, अगर आप इसको एडिट करना चाहते तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर आके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने इस जॉब के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आज हमने बात करी कि क्या नाम है इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और कैसे रिज्यूम क्रिएट करेंगे और जॉब सर्च करना और कैसे अप्लाई करना। तो आज के लिए इतना ही, और भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा अपनी आने वाली और भी वीडियो में, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको मिस्टर नितिन द्वारा बताया हुआ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा और आपने उसको नोट कर लिया होगा। हम लोगों ने कई पोर्टल्स पे अपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का वीडियो बनाया है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां भी जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लें उस लिंक पे क्लिक करके। दूसरा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और इसके कमेंट बॉक्स में जाकर यह लिखें कि आपको क्यों ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपका कोई सवाल या क्वेरी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। हमें उम्मीद है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो एक ड्रॉपआउट गिरेगा, उसमें ऑल का ऑप्शन आप दबा दें ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो और उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।
और आपसे ये उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का हमारा केवल एक ही मकसद है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब पाने में मदद कर सकें, उनकी सहायता कर सकें। तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद दोज पीपल हु आर इन नीड ऑफ जॉब और हु आर सर्चिंग फॉर द जॉब।